फ्रेंड्स, अगर आप अपने रूखे सूखे बेजान बालों से परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने हेयर पैक लगाया था, उसका रिजल्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने रूखे सूखे बेजान बालों से छुट्टी पाना चाहते हैं, अपने बालों को स्मूथ बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को इनक्रीज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बालों में भी इसी तरीके की शाइन ऐड हो, आपके बाल भी बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहें, आपके बाल सुलझे हुए रहें, तो फ्रेंड्स आप इस हेयर पैक का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने इस हेयर पैक को बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें यूज़ की हैं। दो चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा पोषण है इसमें, ये समझ लीजिए आप। हमें इस हेयर पैक को पूरे बालों की लेंथ में अप्लाई करना है, जड़ से लेकर सिरे तक अप्लाई करना है। इस हेयर पैक को आप लगाते हैं ना तो आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे इस हेयर पैक को। इस हेयर पैक को किस तरीके से बनाना है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो आप पूरी वीडियो देखें और लाइक करके ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको बनाना लेने हैं, मैंने यहाँ पर 4 केले लिए हैं क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और हमें जड़ से लेकर सिरे तक लगाना है, तो 4 केले की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप केला कम भी कर सकते हैं, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ही बनाना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 4 केले ले लिए हैं, और इससे भी ज़्यादा गले हुए केले हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश केला ही आपको चाहिए। अब मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। सारे केले मैंने छील लिए हैं, अब हम एक जार ले लेंगे और उसमें जो है केले के टुकड़े हम डाल देंगे। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं इसके पीसेस, लेकिन मैंने तो हाथ से ही कट करके इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, दूसरी चीज़ हम बाद में ऐड करेंगे। जब ये थोड़ा सा पतला हो जाए इस तरीके से, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने केला ज़्यादा लिया था, तो मुझे हनी भी उसी हिसाब से ऐड करना है। आप जितना केला ले रहे हैं आप उस हिसाब से हनी को ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब कुछ लोग कहेंगे कि हनी बालों को सफ़ेद करता है, तो फ्रेंड्स मैं तो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हनी जो है हमारे बालों को सफ़ेद करता है। हनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसको फिर से एक बार मिक्सी में चला दीजिए, और कुछ पीसेस रह गए हैं वो ठीक से पतला नहीं हो पा रहा था क्योंकि ज़्यादा था केला, तो वो मैं हाथ से मैश कर लूँगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके का पेस्ट बनाना है। और फ्रेंड्स, केले में छोटे छोटे कुछ कण रह जाते हैं जो हमारे बालों से निकलते नहीं हैं, अगर आपको उससे दिक्कत आती है तो आप छन्नी से भी छान सकते हैं, फिर आपका इजीली आपके बालों में से निकल जाएगा केला। ठीक है, और आपको ये जब अप्लाई करना है तो पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है ताकि ये आपके पूरे बालों में अच्छे से लग पाए, पूरे बालों में अच्छे से फैल पाए। आपको ये जो केला का हेयर पैक है बाल लगाते हुए आपको परेशानी ना हो, आप बाल देखिए कैसे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उजड़े उजड़े से। तो बालों को आपको अच्छे से काटना है, और आप बीच की मांग निकाल लीजिए, आप 2 भागों में अपने बालों को डिवाइड कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने किया है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना तरीका भी निकाल सकते हैं। ये तो मेरा तरीका है, आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से हेयर पैक लगाइए। मैंने एक साइड को क्लेचर से सिक्योर कर दिया है। अब मैं जो है थोड़े थोड़े बाल लेके, जैसे पार्लर में क्रीम व्रीम लगाते हैं या स्पा करते हैं, उसी तरीके से मैं अपने बालों में अप्लाई करती जाऊंगी। थोड़े से बाल लेने हैं इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ आपको उसी तरीके से ही अप्लाई करना है। इस तरीके से आप पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, केले की बात करें तो केले में विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमारे बालों को लंबा करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। केला बालों को पोषण देकर उनको मजबूत करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो ये बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है आपके लिए। साथ ही साथ हमने इसमें हनी ऐड किया था, तो हनी भी हमारी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी स्कैल्प को कंडीशन करता है, साथ ही साथ जो सूखी त्वचा में नमी को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपके बालों में नमी को बनाए रखता है।
तो इसलिए हमने इसमें हनी ऐड किया था। देखिए मैंने पूरे बालों में लगा लिया है और मैंने पूरे अच्छे से जड़ से लेकर सिरे तक अप्लाई किया है। अब मैं इस तरीके से जूड़ा बना लूँगी और उसके बाद मैं क्लेचर से सिक्योर कर दूँगी ताकि ये जो जूड़ा है वो खुले ना। आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उस तरीके से इस हेयर पैक को लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना अपने पूरे बालों की लेंथ में है, ठीक है, पूरे बालों को कवर करना है। आप उस तरीके से लगाइए, आप जिस तरीके से आसान तरीके से आप लगा सकें आप उस तरीके से लगाइए। तो एक साइड लग गया है, अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो ये मैंने अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे रखूँगी, आप चाहें तो इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करना है। मैंने जो हेयर वॉश किया था थोड़ा गुनगुने पानी से हेयर वॉश किया था, आप चाहें तो सादे पानी से भी हेयर वॉश कर सकते हैं। और जब आपके बाल सूख जाएंगे तो अमेजिंग रिजल्ट, आप रिज़ल्ट देखिए, बाल इतने अच्छे लगते हैं छूते हुए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं, बालों में इतनी चमक हो जाती है, बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार इस हेयर पैक का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं तो ये पैक बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स परमानेंट तो नहीं होंगे, आप परमानेंट कर सकते हैं लेकिन आपको काफ़ी लंबे समय तक उस पैक को यूज़ करना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, आप 2 वीक में एक बार इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।